देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि महाराष्ट्र के अंदर जो सरकार बैठी है वो पियक्कड़ सरकार है। मतलब दारू से कितनी मोहब्बत है कांग्रेस के, राष्ट्रवादी के और शिवसेना के नेताओं को कि इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये चुप चुप के अपने आप को हिंदुत्व है, हम हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदू इनकी बात करते हैं, ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जबकि हकीकत ये है कि इनको शराब से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। ये मेरा ख्याल है इनकी कोई रात गुजरती नहीं होगी जब ये मैखाने में बैठते नहीं होंगे। और हमारी ये ख्वाहिश है कि हमें मस्जिदों से बहुत प्यार है, हमें धार्मिक स्थल के अंदर हम जो लोग जाते हैं हम उनका एहतराम करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं। यही वजह है कि आज इतने महीनों के बाद जब सब कुछ खुल गया है तो सरकार ने कहा कि अब दारू की दुकानें पूरी तरह से खोल दो, लेकिन मंदिर खोले नहीं, नहीं नहीं मंदिर नहीं खुलेंगे, मस्जिद खोले नहीं, मस्जिद नहीं खुलेगी। तो ये धार्मिक स्थलों के बारे में सरकार का क्या तर्क है, क्या वितर्क है, हमको खुद नहीं समझ में आ रहा है कि आखिर इस तरह के अद्भुत फैसले सरकार क्यों ले रही है कि सब कुछ खोल दो लेकिन धार्मिक स्थल नहीं खोले। इसका जवाब सरकार ही दे तो ज़्यादा बेहतर होगा। और मैं तो ये सवाल है तो यहाँ के स्थानिक नेताओं से जो हिंदू 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 करके ऐसे पिछले 20-25 सालों से सिर्फ एक ही रट लगाते थे, अरे कम से कम हमारी मस्जिदों का छोड़ दीजिएगा, अपनी हिंदुओं की मंदिरें तो खुलवा दीजिएगा साहब, हम तो नमाज घर में पढ़ लेंगे कहीं पर पढ़ लेंगे, लेकिन आप मंदिरों को क्यों बंद करके रखे हुए, कम से कम उसका तो जवाब दे दीजिए।